व्हाट्सअप गाइज, मिस्टर इंडियन हैकर की नई वीडियो है। वी फाउंड क्रैश्ड एयरप्लेन्स, करोड़ों का माल, सीक्रेट लोकेशन। भाई कौन सी लोकेशन है और कौन से क्रैश्ड एयरप्लेन? वीडियो होगी इंटरेस्टिंग और टॉपिक हमेशा ही हटके होता है, तो टाइटेनियम आर्मी अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1, 2, 3, गो गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक कब्रिस्तान में। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि वो कब्रिस्तान इंसानों का नहीं बल्कि वो है हवाई जहाजों का कब्रिस्तान। जहाज का गाइज, तो हम पहुंच ही गए, बस एक यूटर्न लिया और फट से हम पहुंच गए हवाई जहाजों के कब्रिस्तान में। एक प्लेन तो ये रहा, अंदर घुसते ही आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेन है जो कि अभी जो है कब्रिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि आर्मी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर है। यहाँ पे देखो तो सिपाही है गाइस जो कि हाथ में बंदूक लिए हुए हैं। यहाँ पे आर्मी के कारें, आर्मी की जीप्स, बहुत सारी चीजें रखी हुई है गाइस। चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, सामने ही एक आर्मी का ही हवाई जहाज जो है वो खड़ा हुआ है। तो गाइस गाड़ी को करते हैं पार और आपको दिखाता हूँ ये सारी चीजें। तो आप क्या करो, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हवाई जहाज को इतने करीब से देखने का मौका बहुत ही कम मिलता है। इंटरेस्टिंग मिस्टर इंडियन हैकर। गाइस ये आ गए हम गाड़ी से बाहर और बाहर निकलते ही आपको दिखता है एक एटॉमिक बॉम्ब। गाइस वो देखो, एक एटम बम रखा हुआ है ये देखो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक प्लेन है, वहाँ पे प्लेन का इंजन है, वहाँ पे एक प्लेन है बहुत बड़ा वाला, यहाँ पे एक और प्लेन है गाइस, नीचे छोटा प्लेन है, छोटी सी मिसाइल है गाइस, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे अपनी गाड़ी है गाइस, और वहाँ पर भी एक प्लेन है गाइस बहुत बड़ा। तो चलो उस प्लेन के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या सिस्टम हो रखा है। कहाँ भाग जाता है रे, कहाँ भाग जाता है। तो गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज है, ये देखो गाइस, ये आर्मी का सामान ले जाने के लिए इधर से उधर है, वहाँ पे एक और आर्मी मैन खड़ा हुआ है गाइस, ये एक और प्लेन है वहाँ पे। अबे ये तू ये बीच में आता गाइस, जिसके लिए 5 गालियां इस बार देना आप। तो चलो प्लेन के पास चलते हैं गाइस। विंग देखो गाइस, यहाँ तक आ रखा है इसका जो विंग है। चलो गाइस अब इस प्लेन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ट्रक है। और गाइस देखो यार ये गाइस, यहाँ पे देखो एक और प्लेन है गाइस, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये यूएस एयरफोर्स का प्लेन है ये देखो, और कितना बड़ा इसका जो प्रोपेलर है वो है, ये देखो कितना बड़ा प्रोपेलर है गाइस, बढ़िया। बस ये खराब हो चुका है ये देखो, और ये रहा इसका पंखा, ये इसका टायर देखो गाइस। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से ये कैसा, ये देखो गाइस अंदर से ये बहुत पुराना प्लेन है, आई थिंक सारी चीजें खराब हो रखी है। वाह यार भैया, इसमें सनरूप भी है ये। चलो गाइस अब प्लेन के अंदर चलते हैं। ये तो पीछे रडर, एलिवेटर और यहाँ पे एलिरोन है। सन्नाटा ही सन्नाटा। अरे भैया भाई यहाँ पे तो प्लेन के अंदर पूरा रेस्टोरेंट वगैरह बन रखा है ये देखो, पर ये तो बहुत बड़ा प्लेन लग रहा है यार, ये कितना बड़ा है। मैं देखता हूँ कि इसकी सीट खुलती है या फिर नहीं, आई मीन खिड़की। ओ वाओ गाइस, खिड़की भी खुल गई है, बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखो गाइस काफी सीटें वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं यार, गाइस यहाँ पे कुछ है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तो कितना हॉट है वो दिखा रहा है, गाइस मैं कितना हॉट हूँ मैं भी देखता हूँ। गाइस मैं तो कूल हूँ, मैं कूल हूँ गाइस, ये हॉट है गाइस। और आगे चलते हैं, प्लेन को पूरा कैफे बना रखा है यहाँ पे गाइस, ये देखो। वाह यार, तो गाइस ये देखो, आप सोच सकते हैं ये सारी चीजें एक प्लेन के अंदर है, क्योंकि आई थिंक ये वाला जो प्लेन है ये बहुत बड़ा है। ये देखो यहाँ पे वो सारी चीजें होती है, एयर होस्टेस की चीजें, ये देखो यहाँ पे एक और गेट है गाइस, ये देखो इसको तो पूरा रेस्टो बना दिया इन्होंने, ये देखो गाइस अंदर चलते हैं जहाँ पे पायलट बैठता है। गाइस ये फर्स्ट क्लास आ गई है, वाह एक नंबर। गाइस आज मनीष प्लेन उड़ा सकता है, आज मनीष प्लेन उड़ा सकता है गाइस, जहाज तेरा भाई चला। गाइस मनीष अब प्लेन उड़ा सकता है, तो अब पहली बार ये बैठ चुका है पायलट की सीट पे गाइस। तो आप देख सकते हैं कि पायलट को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जब वो प्लेन उड़ाता है, ये देखो इस तरीके का व्यू आता है, और सामने इतने सारे बटन होते हैं गाइस। अब पैरों के अंदर ब्रेक भी है शायद गाइस, ये देखो यहाँ पे एक ब्रेक है, और यहाँ पर भी एक चीज है गाइस, ये देखो ये पता नहीं क्या करने का है, ये शायद ऐसे रखने का है। और यहाँ पे बहुत सारे बटन है, मैं तो सारे ही दबा देता हूँ गाइस, टिक टिक टिक।
कुछ होगा थोड़ी इसमें, ना फ्यूल ना कुछ ना। ये देखो अबे तोड़ना थोड़ी है, तो यार इतने सारे फंक्शंस होते हैं, पता नहीं पायलट को कैसे याद रहता होगा कौन सा बटन किस चीज का है, क्योंकि भाई साहब इतने सारे फंक्शन है, ये मीटर ये मीटर ये मीटर ये मीटर। हेलो आप खतरे में हैं, यू आर इन डेंजर, बटन ही नहीं है कौन सा बटन दबाऊं, मौत कहीं से भी आ सकती है गाइस। ऊपर भी बहुत सारे बटन है यार, ये देखो ऊपर भी बहुत सारे बटन है, पता नहीं इतने सारे बटन किस चीज के होते होंगे। ये देखो टिक 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 टिक, ये देखो गाइस गाइस अगर कोई प्लेन या प्लेन की पढ़ाई कर रहा हो तो बताइएगा कि इनमें से इतने सारे बटन किस चीज के होते हैं। वैसे आजकल तो ऑटो पायलट आता है सारी चीजों में, तो पता नहीं। ये खाना खाने की लग रही है। हाँ ये खाना खाने की है गाइस, मेरे पास भी है खाना खाने की। ओह गाइस सच में, अच्छा गाइस पायलट के पास भी खाना खाने के लिए होता है, वाह यार ये चीज तो पता ही नहीं थी। पायलट के पास भी ऐसे खाना, मतलब प्लेन उड़ाते उड़ाते खा भी सकता है, सामने से प्लेन उड़ रहे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बटन हैं यार, ये देखो इतने सारे बटन तो कहीं से याद रहते होंगे यार। ये देखो हैं गाइस, ये आई थिंक बारोमीटर है, प्लेन टेढ़ा ओढ़ा होता है उसके लिए। गाइस यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, उड़ा लिया प्लेन चले आगे। गाइस अब दूसरी चीजें भी आपको दिखाते हैं। अरे भाई साहब इतने सारे बटन सिखाएगा, सब बंद करके चलो गाइस और भी चलते, और भी हमें बहुत बड़े बड़े प्लेन है। गाइस ये आ गए हम प्लेन से बाहर, गाइस आगे देखो तो बहुत बड़े बड़े प्लेन खड़े हैं, और ये देखो मिसाइल है गाइस, शार्क वाली, बहुत बड़ा आर्मी वाला सोल्जर है, पुराने जमाने की एम्बुलेंस है गाइस, और ये देखो गाइस ये कौन से जमाने का टेम्पो है यार, खतरनाक है ना। ये देखो पता नहीं कितने साल पुराना है ये, और भाई साहब ये गाइस पता नहीं कितने साल पुरानी आग बुझाने की गाड़ी है। ये देखो वो देखो गाइस एक और प्लेन है वहाँ पे, ये देखो गाइस कितना बड़ा है ये भी, ये रियल बॉडीज है गाइस, मतलब इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रियल है। और गाइस आगे देखो एक और यूएस एयरफोर्स का प्लेन खड़ा है, और उसके आगे गाइस एक इंजन ही खोल के लटका दिया है यहाँ पे, देखो ये पूरा इंजन ही खुला पड़ा है, ये देखो पूरा इंजन गाइस, ये होता है हवाई जहाज का इंजन, और ये बहुत बड़ा वाला जो इंजन है आई थिंक वो है। और यहाँ पे ऐसा एक और है गाइस, ये देखो पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है गाइस, ये देखो कुछ इस तरीके का होता है पीछे से, आई थिंक इसका इंजन तो निकाल लिया है, ये देखो कैमरे का लेंस लग रहा है भैया। यहाँ पे देखो गाइस हवाई जहाज के दो टुकड़े कर दिए हैं, ये देखो आ जाओ देखते हैं गाइस कि हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर होता है ना अंदर से जो बेस होता है वो किस तरीके का होता है। तो गाइस वो कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो गाइस ये विंग है, और भाई साहब ये विंग ऐसा होता है क्या गाइस, देखो यार हवाई जहाज का विंग कुछ ऐसा होता है, ये देखो कितनी कारीगरी लगती है इसमें। ये पेट्रोल के पाइप है बेवकूफ, पानी के पाइप नहीं है, ये धोने का पाइप है गाइस, ये देखो यार पेट्रोल टैंक इस तरीके का होता है, मतलब इसका हवाई जहाज का। ये देखो गाइस यहाँ से कुछ इतनी सारी इंजीनियरिंग होती है एक पंखे के अंदर भी, ये देखो यार इतना खतरनाक चीज है, ये देखो ये इतना बड़ा विंग है गाइस हवाई जहाज का, ये देखो ये है हवाई जहाज का पेट गाइस, ये है फ्यूसेलाज जो कि बॉडी होती है। अब आपको तो अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर हवाई जहाज जब बनती है तो अंदर से कैसी होती है, तो गाइस ये एसी होती है वही अंदर से हवाई जहाज। ये देखो ये डेक है, अपर डेक लोअर डेक गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोम वगैरह इसके अंदर लगा रखी है ताकि नॉइस कैंसिलेशन हो, बाहर की आवाज ना आए, और अंदर का जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे। भाई साहब यार मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा हवाई जहाज का जो मतलब हवाई जहाज इस तरीके से बनती है, ये देखो इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर। गाइस आगे और आपको लेके चलते हैं, एक और हवाई जहाज का विंग पड़ा है वो भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा होता है। ये देखो गाइस अभी हम जा रहे हैं टूटी फूटी हवाई जहाज के विंग के अंदर, उसके अंदर की इंजीनियरिंग देखने, तो गाइस इस तरीके की पाइपिंग्स होती है अंदर, और ये देखो फुटबॉल प्लेयर्स, ये देखो गाइस हवाई जहाज की छत या फिर पता नहीं क्या है, ये देखो गाइस है ना कमाल की चीज गाइस, देख लो यार हवाई जहाज बनाने में इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए शायद तक हवाई जहाज इतनी महंगी होती है। ये देखो देखो ये चीज देखो, मतलब इस तरीके के फॉर्म होते हैं इसके अंदर जो कि इसको इंसुलेट रखते हैं हवाई जहाज को। गाइस देखो अंदर से और पाइपिंग्स, हर एक पाइप के अंदर जो है ये इंसुलेट किया गया है, अब इसके अंदर से गैसेस दौड़ती होगी, एयर कंडीशनर, और ये देखो हवाई जहाज एक ऐसी चीज होती है अगर उसका एक पार्ट, जी हाँ गाइस एक पार्ट भी अगर मेल फंक्शन हो जाता है तो हवाई जहाज को क्रैश करने का कारण बन सकता है। वायरिंग देखो गाइस, ये देखो गाइस वायरिंग इस तरीके की हो रखी है, लग रहा चांदी की वायरिंग है ये तो, हाँ सिल्वर सिल्वर चांदी चांदी की वायरिंग है, करोड़ों का माल पड़ा है गाइस यहाँ पे, करोड़ों का क्या अरबों का ही पड़ा है, क्योंकि भाई साहब ये बहुत महंगा है।
ये सारा माल। गाइज इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर और भी प्लेन है। ये छोटा सा प्यारा सा हवाई जहाज है गाइज, ये पुराने जमाने में होते थे ऐसे। गाइज ये देखो कुछ इस तरीके का है, ये अंदर से देखो गाइज इसका कॉकपिट। अरे कौन सी मूवीज होती थी वो सलमान खान की जो बीच वगैरह। अभी तो इसके अंदर से सारा सामान निकाल लिया गया है गाइज। वो देखो सामने यार, ये कौन सा है यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा हवाई जहाज है। इसको ये लोग यहाँ पे लेके कैसे आए होंगे? कैसे लाए होंगे मनीष? उड़ा के। गाइस मनीष से यही उम्मीद थी कि ऐसा ही जवाब देगा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे एक और हवाई जहाज खड़ा है, और ये देखो गाइस कितना बड़ा है यार। ये बच्चा लग रहा है। गाइस ये डबल डेकर है, नीचे भी बैठ सकते हैं ऊपर भी बैठ सकते हैं। ये देखो कितना ज्यादा बड़ा हवाई जहाज है, नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस कितना बड़ा है। ये देखो गाइस ये रहे इसके लैंडिंग गियर्स। लैंडिंग गियर्स पास से देखो गाइस पहली बारी आप। ये देखो ये देखो गाइस हवाई जहाज के टायर, और कितना बड़ा लैंडिंग गियर है। देखो गाइस उधर भी बहुत सारे हवाई जहाज कबाड़ के अंदर पड़े हुए हैं, वो देखो। गाइस ये वाला हवाई जहाज उस वाले हवाई जहाज से छोटा है। देखो इसका जो लैंडिंग गियर है वो थोड़ा सा छोटा है, ये देखो, लेकिन फिर भी वैसे तो बहुत बड़ा है। ये पुराने हैं थोड़े, इनके नाम तो मुझे नहीं पता इनके मॉडल्स। गाइस ये कौन से जमाने की है? तो मुन्ना भाई की गाड़ी है। हाँ। जे और वीरू की गाड़ी है ये तो। गाइस मैं तो इस प्लेन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओ गाइस इसका इंजन ऊपर है, ये देखो एक ऊपर भी इसका इंजन। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाइल पड़ी हुई है गाइस, ये देखो। गाइस यहाँ पे एक और ये मिलिट्री वाला है हेलीकॉप्टर, इसके अंदर से आई थिंक स्काई डाइविंग होती है। इसके इंजन छोटे हैं गाइस, ये देखो छोटा सा इंजन है। ये देखो ये बहुत पुराने टाइम का होगा गाइस, 1000 साल पुराना गोरिल्ला भी है पीछे। और ये देखो गाइस ये कौन से जमाने का ट्रैक्टर है यार। गाइस ये देखो ये है मेंढक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर बहुत तगड़ा लगता है गाइस मुझे, देखो तो सही इसको यार। इसको कैसे उड़ाते होंगे मनीष यार, इसमें तो मतलब सिर्फ कांच कांच है। ये देखो दिखता रहता। ये देखो गाइस हेलीकॉप्टर भी काफी है ना गाइस, इतने से कंट्रोल से। ये सिंपल है ना, कोई ज्यादा, बस एक इंजन है ऊपर पंखा है और बस। बंद नहीं होना चाहिए, बस बंद हो गया नहीं। अगर गाइज अगर हेलीकॉप्टर बंद भी हो जाता है ना तो भी वो एकदम से क्रैश नहीं करता है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर चलाने वाला हो ना अच्छा पायलट, तो वो उसको धीरे धीरे लैंड करा सकता है, वो एकदम से पत्थर की तरह गिरेगा नहीं। गाइज यहाँ पे देखो एक और हवाई जहाज है, इसका कांच टूटा हुआ है। ये गाइज आई थिंक चाइना वगैरह का लग रहा है। इसके अंदर भी बहुत खतरनाक कंट्रोल है, ये देखो यार बढ़िया बढ़िया। गाइज मुझे तो ये सब देख के बहुत मजा आता है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़े टेक ऑफ पीस है, यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत तगड़ा एग्जांपल की टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई है। अभी वाले प्लेन्स तो इनसे भी ज्यादा एडवांस्ड है, उनके अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये जितने भी मैंने आपको दिखाई ये बहुत ज्यादा ओल्ड है। ये सोचो आज से 20 से 30 साल पहले भी इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी थी। एक और प्लेन पड़ा है भाई, यहाँ पे इतने सारे प्लेन है कि मैं गिनता गिनता थक जाऊंगा। गाइज एक ट्रक है आर्मी का, ये देखो ये भी पता नहीं 50-60 साल पुराना ट्रक है। स्टीयरिंग कितना खतरनाक है। पहले मैं सोचता था कि ये जो होता है ना ये लकड़ी का होता होगा, लेकिन नहीं ये मेटल का है। यूएस मार्शल्स की गाड़ी है गाइस, मार्शल्स 140 भागती थी उस टाइम में भी है। तो गाइस यार ये था हवाई जहाजों का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान। अब तो लोग इसे रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे प्लेन रखे हुए हैं। आई होप ये सारी चीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना करोगे, इसी मुझे बताया छोटे भाई हूँ आपका। तो आज के लिए इतना, हमसे मिलते हैं नेक्स्ट। हम सब मनीष ही तो है बस, मनीष आजा भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं और मनीष हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बढ़िया था ब्लॉग ये वाला भी, और ये अच्छा लगा कि भाई गया तो वहाँ पर ब्लॉग बनाया उस तरीके से। और प्लस जहाजों का मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पापा मेरे एयरफोर्स में थे तो बचपन में हमने देखा है, म्यूजियम भी है जैसे दिल्ली में पालम में म्यूजियम है, एयरफोर्स म्यूजियम, तो वहाँ पर भी जहाज देखे हुए। लेकिन एक चीज़ है कि जो आप आवाज सुनते हो ना फाइटर जेट की, वो अलग ही होती है भाई। तो आवाज तो खाली टीवी पे तब वो आते हैं। और जहाज के अंदर मैंने एक बार ट्रेवल किया है आज तक लाइफ में, जहाज कह रहा हूँ मैं, एरोप्लेन में, एयर इंडिया या जेट एयरवेज में बचपन में 4th या 3rd क्लास में ट्रेवल किया था। उसका मैंने किया नहीं है एरोप्लेन में, इसका तो रोज का आना जाना है। अभी रिएक्शन के बाद फिर चल जाएगी उड़ने, परी है ना पापा की परी, तो इसका अलग अलग जहाज रहता है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, काफी टाइम से ड्रीम है मेरी भी कि दोबारा मतलब ट्रैवल करें हम बाय एयर, और थोड़ा लंबा सफर हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से बैठे और 10-15 आधे घंटे में उतर लिए। जाएंगे भाई, आपका जाएगा बरमूडा ट्रायंगल सीधा, तो इसको भी ले जाऊंगा है, चलेगी बरमूडा ट्रायंगल भाई साहब, घूमने की जगह है वो घुमा देती है। और जैसे अब आजकल बहुत जगह कॉन्सेप्ट हो गए हैं ये कि अगर कोई प्लेन का ढांचा है तो उसको रेस्टोरेंट में कर देते हैं। दिल्ली में भी शायद से है, ट्रेन का है, प्लेन का है। अरे मनाली में भी तो था, वो उस हाइट पे खिला रहे थे, वो प्लेन था नहीं, नहीं वो प्लेन नहीं था, वो तो वैसे था वैसे। तो ये चीज भी है बढ़िया, लेकिन इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हुए थे, जैसे इकोनॉमी बिजनेस क्लास होती है वैसी सीटिंग वाला था, और फिर सोफा सीटिंग वाला भी था। बढ़िया लगा। और ये जो गाड़ी हमने देखी इसके अंदर,
जैसे जिन लोगों को लाइव स्ट्रीम पता होगी या फिर जो गेम्स खेलते हैं उनको पता होगी, जैसे वर्ल्ड वॉर टू गेम है जो प्ले स्टेशन पे गेम्स होते हैं, उसमें इसी तरीके के जहाज, इसी तरीके की गाड़ियाँ, टैंक्स तो नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा सेटअप उस तरीके का था जो एयरपोर्ट पे या उस टाइप से बढ़िया था। और वो हेलीकॉप्टर बहुत पुराना है, पहले ऐसा हेलीकॉप्टर अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, और अब तो आप देखोगे प्लेन्स AI पे भी बहुत बेस्ड हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, ऑटो पायलट भी आगे बहुत सारी चीज। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, है? हम तो यही नहीं समझ पाते कि मतलब कि अगर सही तरीके से बताएं तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है, क्योंकि हमने उसमें महारत हासिल नहीं कर, लेकिन जो एजुकेशन वाइज जो मेंटली बहुत तो कितना आविष्कार कर रहे हैं जिन्होंने, भाई किस लेवल तक लेके गए हैं, चाहे वो तो राइट जाते हुए पांच सामान बता दूं ना तो दो ही हैंग हो जाता है, फिर दो ही लाता है उन्हें कितना कितना। आप और भी वीडियो सेव कर सकते हो, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।